आदमी जो है वो शॉर्टकट अपनाने में लगा हुआ है। हाँ। मतलब हर किसी को जल्दी जल्दी अमीर बनना है। मेरा एक दोस्त है, आप उससे पैसे मांगने चले जाओ 100 रुपया, मैं एक बार चला गया, मैं भाई 100 रुपया मिलेगा, अपनी इतनी मजबूरियां गिनाने लगा था, भाई पिताजी बीमार है, भतीजे तेरे की फीस नहीं दी है, भाभी तेरी की फिर से डिलीवरी होने वाली है। मैंने कहा जब इतनी मजबूरी है तेरे को ये सब कामों के लिए टाइम कहां से निकलता तेरे पास? नहीं यार पिताजी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे यार, 6 महीने हो गए बिस्तर पे पड़े हुए। मैं 100 रुपए लेने का, मैं खुद 200 दे के आया। मैंने कहा भाई पहले तो अपने बाप की दवाई ले। अच्छा यही आदमी जो अभी इतनी मजबूरियां गिना था, ऐसे आदमी को अगर आप बोल दो ना कि मार्केट में एक नई स्कीम आई है 1 लाख रुपए लगाओ महीने बाद 2 लाख मिलेंगे, तो चाहे अपने बीमार बाप को बेच के पैसे लाए लेके आएगा। हर आदमी को शॉर्टकट में यकीन है। आप रेलगाड़ियों के बाथरूम में चले जाओ, वहां अजीब अजीब इश्तेहार देखने को मिलेंगे आपको। 8वीं फेल सीधा 10वीं करें, 3 महीने में कंप्यूटर चलाना सीखें, 1 महीने में मॉडल बने, अजीब अजीब। ये मार्केटिंग करने वाले बड़े सयाने होते हैं, इनको पता होता है कि सबसे ज्यादा फ्यूचर के बारे में आदमी टॉयलेट में बैठ के सोचता है, तो ये वहीं पे चिपकाते हैं। कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में ना 15 दिन में इंग्लिश सीखने चले जाते हैं, कई जगह बोर्ड लगा होता है ना, 15 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे, मैंने भी वहीं से सीखी, आप सबको पता ही है। अच्छा वहां से सीखी 15 दिन में, अब उसको ठीक करने में 4 साल लग गए, अभी भी ठीक नहीं हो रही है। अच्छा कुछ लोग मंदिर में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये हमारा दिनेश है ना गिटार वाला, ये एक बार भगवान के पास चला गया, लॉटरी का टिकट डाला इसने जेब में डाल के चला गया पीछे वाली जेब में, कहता भगवान कुछ ऐसा कर दो मेरी लॉटरी की टिकट निकल जाए, इसकी पीछे से टिकट निकल गई। इसकी जैसे पीछे से टिकट निकल गई, कहता भगवान मेरी पूरी बात तो सुन लो, ऐसे थोड़ी ना होता है, आप तो इतनी जल्दी पूरी कर दी मन्नत। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ। ढोंगी बाबाओं के पास चले जाते हैं, बाबा जी ऐसा करो कुछ कि 4 बेडरूम वाला घर हो, 4 ही बाथरूम और सबके सब में ग्रेनाइट लगाओ, और जिस बाबा को बोल रहे होते उसकी शक्ल देख के लगता है 6 महीने से खुद नहीं नहाया वो। और वो भी आगे आपको आशीर्वाद दे देते, ऐसी ऐसी चीजें दे देते, देखो ऐसा है पूर्णमासी वाले दिन 7 चावल के दाने लेके थोड़ी हल्दी मिला के काले कुत्ते को खिला दो, काम हो जाएगा। वो आदमी कुत्ते को 7 दाने चावल के खिलाने जाता है, बाद में 14 इंजेक्शन लगवा के आता पेट में, क्योंकि कुत्ता भी डबल काटता है। बोले तेरे को किसने कहा मैं कच्चे चावल खाता हूँ, वो भी हल्दी डाल के। बड़ी सारी चीजें होती है लोगों को शॉर्टकट में करनी। कई लोग तो फिल्में भी देखते हैं, बड़े फॉरवर्ड करके देखते हैं, अगर कहीं शाहरुख खान की फिल्म आ रही हो ना कि तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में तुम्हारी मदद करती है, उसको फॉरवर्ड करते फिर पता नहीं चलता है। खैर ये मैं ऐसे ही थोड़ा ज्यादा कभी बढ़ा चढ़ा के बोल देता, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता, आप लोग मानते हैं? थैंक यू। अरे वाह, हमेशा खट्टी डकार लेने वाली दादी आज मुंह मिठा करा रही है किस खुशी में? अरे मेरी लॉटरी निकली है। ओह क्या? हाँ मेरी प्यारी दादी, मेरी अच्छी दादी, मेरी क्यूटी दादी। कितने की लॉटरी लगी तेरी? ये देख पूरे 50,000 रुपए की। अबे बेड़ा कर, 60,000 का मैंने डांस कर दिया, तेरी 50,000 की लॉटरी लगी बस। चुप कर, मुझे पता है तू मुझसे सिर्फ पैसों के लिए प्यार करता थे मुझे। दादी देख ये पैसा होता है हाथ की मैल, मैं नहीं चाहता तेरे हाथ मैले हो, ला मेरे को दे दे। ये पैसे मैं तुझे हरगिज नहीं दूंगी, मेरे पैसे हैं, ये पैसों से मैं एंजॉय करूंगी। हाँ बचपन से जब से पैदा हुई एंजॉय तो करती आ रही तू। लोग बड़े होकर चलना सीखते हैं, इसने बड़े होकर लड़खड़ाना सीखा। दारू वड़ैल वाली बुड्ढी। दादी ये पैसे मेरे को दे, मैं किसी बिजनेस में लगा देता हूँ। सीधे सीधे बोलना, पैसे डुबाना चाहता है, बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है। सुन मेरी बात, बैंक में ना क्लर्क का पोस्ट निकला हुआ है, जा जा के फॉर्म भर दे जा। मेरे को नहीं फॉर्म भरना, पिछली बार मैं बैंक के एग्जाम देने गया, अजीब जी सवाल पूछते मेरे को बोलते मान लो आप किसी से 10,000 रुपए लेते हैं, 2 महीने बाद आपको 12% ब्याज के साथ वापस करना, तो कितने दोगे? मैं कुछ भी नहीं। तुम्हें मैथ का नहीं पता? मैंने कहा तुम्हें मेरा नहीं पता, मेरे को नहीं करनी बैंक में नौकरी, मैं बिजनेस में लगाता हूं, पैसे दो मेरे को। रहने दे बिट्टू, बड़ा आया बिजनेसमैन बनने वाला। एक बार आपको पता है सिद्धू जी मुझसे ना मेरे सोने का कंगन ले गया था एक। हाँ कहता है ज्वेलरी का दुकान खोलूंगा, खोला। खोली मैंने दुकान खोली, पुलिस आ गई, कहते सारी दुनिया सो रही तू ज्वेलरी की दुकान खोल रहा है। मेरा क्या कसूर उसमें? तो चोरी करने गया था। तो
एक कंगन लेके कौन सी एग्जीबिशन लगती बुड्ढन। तो एक काम कर, मेरे को पैसे दे, एक साल में अमीर हो जाऊंगा। अच्छा पैसे मेरे, अमीर तू बनेगा? चल हवा आने दे। ये पैसे तो मैं इन्वेस्ट करूंगी, और वैसे भी क्या ना, आजकल फॉरेनर जो है वो है हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए आ रहे ना, मैं कोई ढंग का इन्वेस्टर ढूंढ लूंगी फिर पैसे इन्वेस्ट कर दूंगी। वाह दादी वाह, बाहर वालों पे भरोसा है, अपने खून पे भरोसा नहीं तेरे को? किसने कहा कि मुझे अपने पोते पे भरोसा नहीं है? है मुझे अपने पोते पर भरोसा कि तू उड़ाएगा उड़ाएगा। चार पैसे आ गए, खुद को कटरीना कैफ समझने लगी बुढ़िया। भूल गई जब तू इतनी सी थी, जब तू बीमार थी तो तूफान में जाके डॉक्टर को कौन लेके आया था? मैं लेके आया था तेरे लिए डॉक्टर। तो कौन सा एहसान किया था बिट्टू शर्मा, जानवर का डॉक्टर लाया था, भैंस वाला इंजेक्शन ठोक गया। तीन महीने तक जुगाली करती रही, इतना झाग तो कोल्ड कॉफी में नहीं निकलता जितने मेरे मुंह से निकला। बुढ़िया आज तूने मेरे जमीर को ललकारा है, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के, और तभी वापस आऊंगा जिस दिन कुछ बन जाऊंगा मैं। कोशिश करते रहना बात बन के आने की। मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, बाहर से कैसे बाप बन के आऊंगा? जिसे चाय की तलब लगी हो ना, वो ये परवाह नहीं करता कि दूध डिब्बे का है कि भैंस का। गाँव बसा नहीं के भिखारी आ गए। भैया जी आप जाओ, माफ करो। अरे भिखारी नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं मंजू का डैडी खिराती लाल। तो एक ही बात है ना। चलो अच्छा, सबको आपका असली रूप तो दिख गया। अरे मेरा रूप नहीं है, मैं वो एक एड फिल्म की शूटिंग से आ रहा हूँ, वहाँ मैंने भिखारी का रोल किया है। उस आदमी को रोल देंगे जिसके पास भिखारी के कपड़े हो, एक्टर तो बहुत थे वहाँ पे लेकिन कपड़े सिर्फ मेरे पास थे। रोल मुझे मिल गया। वो एक्ट टीवी पर आएगा कब? जब भी आएगा, आधा आएगा क्योंकि मैं आधे में छोड़ के आ गया। आधे में छोड़े हो? तो उनका कितना नुकसान हो गया होगा? अब उनका नुकसान देखो कि अपना फायदा देखो। क्या बात है, डायलॉग था मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता है। अब हीरो ने जैसे 100 का नोट फेंका मैं डायलॉग भूल गया। जी बैठ गया, तो फिर मैंने आराम से 100 का नोट उठाया और तेजी से भाग लिया वहां से। इसी खुशी में इमली खाओ, मुंह खट्टा करो। खुशी में कोई इमली खिलाता है क्या बे? अब 100 रुपए की खुशी इमली खिलाऊंगा, काजू कतली थोड़ी लाऊंगा 200 रुपए की। तू ना अपनी इमली छोड़, मेरी मिठाई ले। ये ले ले, रख, दो दो दिए मैंने तुझे। तुझे पता है 50,000 रुपए की लॉटरी लगी है मुझे। अरे वाह दादी वाह 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 ये सोचो इस पैसे का करना क्या है? ये पैसे तो मैं अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखूंगी। बुढ़ापे के लिए? और कितनी बुढ़ी होगी, अभी दोबारा काले बाल आने शुरू हो गए तुम्हारे। एक काम करो, ये जो पैसे हैं ना, ये मुझे दे दो। तुझे दे दूंगी तो मैं अमीर कैसे बनूंगी? देखो वो गाना नहीं सुना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगी 10 लाख देगा, एक पैसे में मिल रहे 10 लाख, तुम दे रही हो 50,000, तो इसके हिसाब से बहुत ज्यादा अमाउंट हो रहा है, पैसे में रख लेता हूँ, काउंटिंग तुम कर लो ठीक है। तू ही मुझे कोई अच्छा सा रास्ता दिखा दे। हम घुस ली, मुझे पता है मौका मिलते तुम कहीं भी घुस जाते हो, लेकिन हो कौन? मेरे नाम घुस ली, किसे जा रहा हूँ? ब्रूस ली, हमारी माँ का नाम केटली, हमारी दादी नाम गुटली, और बहन? बहन भागली। क्या नाम है? भागली। हम इधर कंपनी खोलने के लिए आया, जो हमारी कंपनी में 50,000 रुपए लगाएगा, एक साल बाद हम उसको 5 लाख रुपए देगा। मैं तैयार हूँ। अगर मान लो किसी के पास 50,000 ना हो तो उसको साल के एंड में आप 4.5 लाख दे दोगे 50,000 पहले वाला काट के? ये आदमी कौन है जिसकी सोच इसकी शक्ल से भी घटिया है? खैरतीलाल,
खैराती लाल। एक तो खैराती, वो भी लालची। अगर और कुछ बोला ना तू, मार मार के तेरा मुंह कैसे लाल कैसे नीला कर दूंगी। पीला भी अलग मल्टी कलर। मेरे पास भी पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, 100 रुपया। 100 रुपया? हाँ, तो मुझे क्या मिलेगा बिजनेस के बाद? आपको दुआएं मिलेगा 100 रुपए में, और क्या मिलेगा। ठीक है, मैं 100 रुपए लगाने के लिए तैयार हूँ। ये बताओ कि किस चीज की फैक्ट्री लगाओगे? हम खच्चर बनाने की फैक्ट्री आया। खच्चर फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ वैसे ही इतने सारे घूम रहे हैं। खच्चर का फैक्ट्री क्यों लगाना चाहते हो? ऐसा आदमी 100 रुपए लगाता है 250 सवाल पूछता है। हम लोग पहले बता चुका है, हम लोग खच्चर का फैक्ट्री खोलेगा, फिर हम लोग गधा बनाएगा, फिर हम लोग घोड़ा बनाएगा, फिर हम लोग SUV घोड़ा बनाएगा, उसमें AC फिट करेगा, बैक लाइट डालेगा, इंडिकेटर लगाएगा, घोड़ा का फैक्ट्री दुकड़ दुकड़ लगाएगा। क्या बिजनेस सेंस है वो? मैं अपना कराटा नीचे कर लूं, मेरा हाथ तक के। घुसली, मैं तुम्हारे कंपनी में समझो घुसली। तो समझो तुमको हमने चूस ली। पैसा मैं लेके आता हूँ, मेरा पैसा तो है ही नहीं। दादी! वो, 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 दादी ये कौन है? ये घुसली है, घुसली चाइनीज बिजनेसमैन। बिजनेसमैन सबके पूछ पीछे होती है, इसने होटो पे रखी हुई है। ये कौन है? ये मुंह तो घोड़े का होता है, इसका कैसे लगेगा? जब भी बात करेगा घोड़े की तरह। तुझे पता है राजू, इनकी कंपनी में हम 1 रुपया लगाएंगे ना तो हमें डबल ट्रिपल चौबल मिलेगा। अच्छा, सही बात है। ठीक है, फिर मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ। ये कौन है जो शक्ल से तो भिखारी लग रहा है, बातों से और ज्यादा भिखारी लग रहा है? मुझे भिखारी बोल रहे हैं पाजी जी। देखो, अभी आपको मेरे साहब जी का नहीं पता, आपको पता है वो तो इतने जाहिल हैं, कल मुझसे पजामा मांगा, मैंने देने से मना कर दिया, उसमें से नाड़ा निकाल कर खा गए वो। तुम्हारा मुंह पे मच्छर बैठा था। अच्छा, मच्छर बैठा है? हाँ, मच्छर बैठा था। देखो, हम तुम्हारे मालिक का तारीफ सुनने नहीं आया, हमें तो बिजनेस करने को आया। तो हम भी बिजनेस करने के लिए, हम कौन सा बर्फ लेने के लिए आए हैं? मेरे पास 1 लाख रुपए है सर। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। बस ऐसे, जब से मैंने साहब जी को उधार देना बंद किया ना, तो मेरी सेविंग थोड़ी बढ़ गई है। क्या बात करता है? और क्या, आपको पता है मेरे साहब जो इतने ज़्यादा खराब आदमी ना, एक दिन मेरे को कहते तुम्हारे पास 50 प्लस की 2 हैं, मैंने कहा हाँ, कहते एक मुझे दे दे। ऐसे बोला? हाँ। मच्छर है, मच्छर है, मच्छर है, 2 मच्छर है। तूने एक बात नोटिस की, जब भी बिट्टू का नाम लेते तेरे मुंह पे मच्छर बैठ जाता है। क्या? हाँ। और जब कूड़े करकट का नाम लोगे तो मच्छर तो आएंगे आएंगे ना। बस मैंने अपने मालिक से छुपा कर रखे, वो थोड़े चोर टाइप के है ना। ओह माय गॉड, कितना बड़ा मच्छर बैठा। इतना सारा मच्छर बैठा की गाड़ी भी देखी है। अब ये बताओ मुझे कब दोगे पैसे, उसके बाद मुझे गाड़ी लेनी है। वो सिद्धू साहब क्या गाड़ी है, उससे बाइसेप बनते हैं। है, गाड़ी में जिम भी लगा हुआ है। नहीं, गाड़ी ऐसे ऐसे करके चलाते हैं ना वो। ये देखो, उसके यहाँ पे बाइसेप बनते हैं। ले लो पैसे, ले लो यार, 100 हैं पूरे। ए, तुम हमको बेवकूफ बनाते क्यों? नकली पैसा देता हमको। अरे क्या बात कर रहे, तुम्हारे देश की करेंसी उसको नहीं पहचान रहे तुम? क्या बात करते हैं, ये चाइना का पैसा है? जब हम घर से निकला था तब तो कोई और रंग का था, अभी हो सकता है रातों रात छाप लिया हो। इतना बेवकूफ समझ रखा है, इतनी रात को कौन नकली नोट छापता है? क्या बात करती है बुढ़न, तुम लोग रात का बात करते हैं, मैं दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए छाप लिया, 1 लाख राजू का, 50 रुपए दादी का। दादी? एक मिनट, क्या एक मिनट, क्या मैं पकड़ा गया? हाँ। बिट्टू तेरे साहब जी।
मुझे पता था कि मेरा दामाद एक ना एक दिन कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। आज चाइनीज बन गया। शाबाश शाबाश। दामाद जी को हाथ लगाया। क्यों? दामाद को हाथ लगाने से पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। क्या कह दिया आपने? बेटी के घर में इज्जत नहीं होती। देखा, एक बार कहा मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, पैर रख रख के गए। मैं बात कुछ करता ही नहीं है। पे लेके कोई बात नहीं, मुझे पता है इनके चाय के डब्बे में 72 रुपए पड़े हैं। 28 रुपए की चाय पी जाऊंगा। आप लोगों ने सुना होगा कि ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। कोई बात नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैं बराबर कर लूंगा। शो में जिस कलाकार को बुलाने जा रहा हूं, उन्होंने बहुत सारे हिट गाने गाए हैं। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ज्यादातर गानों के राइट्स नहीं है। लेकिन अगर राइट्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आतिफ कॉमेडी नाइट्स में नहीं आएगा। आतिफ आएगा और गाना भी गाएगा। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर आतिफ असलम, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। आओ भारती, आओ पुत्र, दोबारा खुश रहा वट दे कड। आतिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। थैंक यू सो मच। ये प्लीज यहां से क्लियर कर दिया आप। सच्चे दिल से जान ले बंदे, तू खुद की गहराई को बिना कान से सुन सकता है अंदर की शहनाई को। मेहनत और जुनून से बुलंदियों पे पहुंचा वो फनकार है आतिफ असलम, जो अपने सुरीले सुरों से जीत सकता है सारी खुदाई। अरे वाह, क्या बात है। सिंगर तो हैं ही, एक्टर भी आप लगते हैं और हैं भी एक्टर भी। और लड़कियां देखो आज कितनी खुश हैं, आपको हाय 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 कर रही हैं। एक आधी हाय मुझे भी कर दो, नहीं तो मेरी ऐसी हाय लगे कि सारी उम्र हाय करती रहूंगी। ले जाना शो के बाद, मैं पैक करके दे दूंगा, लिफाफे में डाल के ले जाना घर। लड़कियां आपकी फैन, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे काफी सारे मैसेजेस भी आते होंगे, रिप्लाई करते हैं आप उनको? सबको करता हूं, बिल्कुल कोशिश करता हूं, सबको रिप्लाई करते हैं। प्यारी लड़कियों को ज्यादा नहीं करता। ऐसे क्यों? फिर वो पीछे पड़ जाती हैं। तो आपकी वाइफ को ऐसे देखती होंगी, वो भी घर पे बैठे बैठे कभी कभी ऐसे कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, उनको नहीं लगता बुरा कभी? वो जिस वक्त मैं कंप्यूटर पे होता हूँ उस वक्त वो कपिल शर्मा का शो देख रही होती है। ये होती है एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान, अपनी तारीफ के साथ 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 वाले खड़े कलाकार की भी तारीफ कर दो। जोरदार पार्टी आर्टिस्ट के लिए। अच्छा आतिफ, जब आपको, अब जब बात चली निकली है तो पूरी खुल के डिटेल में बात करते हैं, जब आपको लड़कियां मैसेजेस करती हैं तो उसमें आपके गानों का ज्यादा जिक्र होता है कि आपके लुक्स का ज्यादा जिक्र होता है कि ऐसी चीजों का जिक्र होता है जिसका जिक्र आप खुल के कर नहीं सकते? ज्यादातर जिक्र जो होता है वो ऐसी ही चीजों का होता है कि जो बताई नहीं जा सकती। खैर, ये ऊपर वाले का कर्म होता है पारी, जब कोई कलाकार इस मुकाम पे पहुंच जाता है कि उसको लाखों चाहने वाले जो हैं वो मौजूद हैं। और पर ये बताए या ना बताए, हम तो समझ ही जाते हैं। पाजी, आप भी तो उसी स्टेज से निकले हो। अब तो खैर पाजी अभी पॉलिटिक्स में आ गए, सीनियर हो गए हैं थोड़े, अदरवाइज मतलब कॉलेज टाइम पे तो बस 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 पर्दे में रहने दो। आज भी सिद्धू पाजी का मोटरसाइकिल रखा हुआ पटियाला यूनिवर्सिटी में, कहते उसको कोई टच करके भी निकल जाए ना, 10 लड़कियां उसके उसी टाइम पीछे हो जाती है। इतना लकी मोटरसाइकिल है। बड़ा बदमाश है यार। खैर पाजी, जब कोई कलाकार इस मुकाम पे पहुंचता है कि उसके लाखों चाहने वाले बन जाते हैं,
उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है। आतिफ, हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। मैंने शुरू किया जब मैं 17 साल का था और मैं अपनी लोकल वैन्स के थ्रू मैं जाता था स्कूल कॉलेजेस। मैंने पॉकेट मनी इकट्ठी की बिकॉज मैं अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हुआ था पाकिस्तान। अच्छा, फास्ट बॉलर एज अ फास्ट बॉलर। क्या बात है, छुपा रुस्तम मिला। तो उसके बाद से वालिद साहब ने कहा कि बेटा मेरा ख्याल है तुमने पढ़ाई छोड़ देनी है और तुम जो है ना ये काम जो है ना ख़त्म करो और चिल करो। उसके बाद मैंने बेसिकली उनको नहीं बताया कि मैंने गाना शुरू किया है। मैंने कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट किया और इस तरह से अपनी पहली पॉकेट मनी से मैंने 15,000 रुपयों का मैंने गाना रिकॉर्ड किया। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। प्राइवेट एल्बम के लिए क्या? प्राइवेट एल्बम के लिए आदत उस गाने का नाम था और वो इंटरनेट पे फिर दिया तो इट बिकेम एन एंथम और सब लोग उसके दीवाने हो गए। और फिर महेश भट्ट साहब ने मुझे इंडिया दावत दी। एल्बम मेरी पाकिस्तान में रिलीज हो चुकी थी, फेमस हो चुका। फिर महेश भट्ट साहब ने मुझे यहाँ बुलाया और उसके बाद से ये जर्नी जो है वो सारी, आप सब लोगों का प्यार मिला, इस देश का प्यार मिला। इसमें कोई शक नहीं आते, आपने शुरुआत पाकिस्तान से की और अब भी आपके ग्लोबली जो है वो फैंस हैं और हिंदुस्तान में आपको बहुत चाहते हैं लोग। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए। जोरदार तालियां आतिफ के लिए। जब किसी की इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो, खास तौर पे लड़कियों में, तो वो थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस तरफ ज्यादा रिस्पॉन्स दूं। और इन्होंने जिस लड़की को पसंद किया उसी से शादी भी की। तो ये पाजी कैसे शुरुआत हुई, कहाँ मिले आप? हम लोग एक शादी में मिले थे। अच्छा। और मैंने देखा और इतनी सारी लड़कियां पूरी दुनिया में जो लड़कियां देखी उनमें से कभी किसी से बात करने का ज्यादा दिल नहीं किया। अच्छा। तो एक ऐसी लड़की देखी जिसको लगा कि हाँ मुझे इससे बात करनी है। पहली दफा बात कर दी जाके आपने? और नहीं, फौरन ही की। फिर फौरन तो नहीं, चम्मी हो जाते यार। मैं फौरन नहीं गया उसके पास। थोड़ी देर लाइक एक दो महीने बाद मुझे दोबारा किसी ने कॉन्टेक्ट किया, एक कॉमन फ्रेंड था, मैंने उससे पूछा, फिर मुझे वो मिली, बातचीत हुई। एंड देन आई डिसाइडेड और आफ्टर 7 years आई मैरिड। पूरा देखभाल के, पूरी तैयारी के साथ। अरे तो जब आपकी शादी हो गई तो आपकी फीमेल फैंस का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कुछ बुरा भला नहीं कहा आपको? उन्होंने कि मर जाना, हमसे पूछा ही नहीं तुमने? उन्होंने बहुत सारी उन्होंने कहा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दिल टोटे टोटे हो गया। हाँ, ये कौन बोल रही है मोहतरमा? क्या क्या कहना चाहती है? ए, एक सेकंड, इशारा मेरी तरफ था या कपिल की तरफ था? आपकी तरफ था। ए, आपकी तरफ था। आतिफ जी को बोला। अच्छा, आए, अच्छा ये जेस्चर आपका नेचुरल आता है? पहले मैंने पूछा आई लव यू। अच्छा पाजी, मैं आपको सीरियसली बात बताऊं, ये कोई मन की बनाई हुई बात नहीं है। जब मैं यहाँ पे आया ना, जब ये शुरू नहीं हुआ था तो आतिफ यहाँ पे शायद तो साउंड चेक कर रहे थे। एक और लड़की मैंने देखी है, कोई 40-45 मिनट जफ्फी डाल के रखी उसने। कौन थी वो? ठीक है दीदी, वो कौन थी, कहाँ पे वो लड़की? कहाँ भाई, कहाँ भाई? आप थी? अच्छा एक मिनट माइक दीजिएगा इनको, मैंने देखा है। ओ, तू खा 40-45 मैंने ज्यादा बोल दिया सॉरी, लेकिन 42 मिनट की तो जफ्फी थी आपकी। वो क्या कह रही थी आप आतिफ के कान में? सब सबको खुल के बताए ना, अगर आप उनकी फैन है तो सबके सामने बताए। मैं कुछ कह ही नहीं पा रही थी। दैट्स व्हाट आई वाज। कौन इतनी देर कौन कहता है मोहब्बत के ज़बान होती है? ये हकीकत आंखों से बयां होती है। नहीं पर आपने 40-42 मिनट अगर कुछ कहा ही नहीं तो क्या शैम्पू सूंघ रही थी उनका? पर कैसा लग रहा है? एक्चुअली मेरा ड्रीम आतिफ का सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है आपको? आतिफ के सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। ओहो, डीपली इन लव। डीपली इन लव कुछ इस तरह इज द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा तब तो आप कुछ कह नहीं पाई उनको, जो भी कहने आई थी मुझे नहीं पता, अब कह दीजिए आप। मैं उनको और एक बार हक करना चाहती थी। देखिए
नहीं रहने दीजिए, कोई नहीं, बात नहीं, उनके साथ में आए करते, कपिल को भी करते बुरा लगे, कोई बात नहीं। मेरे पे तरस खा के बोल रहे थे, कोई बात नहीं, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ। 40 मिनट पहले, 15 मिनट, 55 मिनट का एपिसोड होता है हमारा। आप रिलेशन में हैं दोनों? आपकी डॉटर है? अरे क्या बात है, बड़ी बहन को मम्मी रखा हुआ आपने? बड़ी बहन को मम्मी? नहीं, पर आप लगती नहीं आपकी बेटी, मतलब ऐसे मुझे सीरियस लगा, दो सहेलियां बैठी हुई हैं। आप कहाँ से आई मैम? दिल्ली। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली से, न्यू दिल्ली, ग्रेटर कैलाश। ग्रेटर कैलाश दिल्ली में भी जगह? अच्छा, मैंने कहा सीधा कहीं नहीं, राष्ट्रपति भवन से तो नहीं आई ना? हम लोग बात करते हैं, जब कोई कलाकार एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है, उसके लाखों करोड़ों चाहने वाले होते हैं, तो सिर्फ चाहने वाले नहीं होते, उनकी प्रेयर्स होती है उनके लिए। ये इन सब की दुआएं आपके लिए, दिल से प्यार करते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अच्छा, आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप डॉक्टर बने? इंजीनियर। इंजीनियर बने, और पढ़ाई आपने इंजीनियरिंग की भी की? नहीं। आप क्रिकेटर बनना चाहते थे? हाँ जी। पढ़ाई की किस चीज की फिर आपने? कंप्यूटर साइंसेस की। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की? हाँ। और कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाहते थे माँ बाप? हाँ। और आपने, आप क्रिकेटर बनना चाहते थे? Exactly. बन गए सिंगर? हाँ। तो ये सब जब इतना कुछ हो रहा था, तो कभी दिमाग में आया था ऐसे कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका? हाँ। मुझे लगा था किसी एक दिन ये चमत्कार जरूर होगा। अरे क्या है ना कि फिल्मों की प्रमोशन होती है, काफी सारे बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोगों से मिलते हैं, आप आ जाओ, लेकिन ना कभी कभी हमारा भी दिल करता है हम भी अपने शो की प्रमोशन करें, तो हम जबरदस्ती करवा देते हैं। आपको जरूरत नहीं है इस शो के प्रमोशन के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में देखते हैं। पाकिस्तान में भी लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं? अच्छा, एक्टिंग की बात चली है पाजी, तो ऐसे में ऐसे मन में सवाल आया, फालतू सही है, कुछ ज्यादा नहीं, कि अगर आप फिल्म देवदास में देवदास का रोल करें, तो आप अपनी पारो के रूप में किसको एक्सपेक्ट करते हैं? और चंद्रमुखी किसको? आई थिंक ठीक थी पारो जो उसमें थी, ऐश्वर्या राय। हाँ। ओके। हाँ? और चंद्रमुखी? दीपिका। कंपटीशन हो गया तेरे साथ। ओ मोहब्बत यार, ये काट देना प्लीज। दीपिका याद आई, आपको कुछ और बोल देते यार। वैसे तो ऐश्वर्या की भी शादी हो गई है, माधुरी जी की भी शादी हो गई है, वे दोनों सेम ही रहने देते, चेंज क्यों किया आपने? दीपिका से थोड़ी सी ज्यादा मोहब्बत। जब मैं देखता हूँ ना स्क्रीन पर उसको, तो मुझे बिल्कुल ये एक्सप्रेशन याद आते हैं कि कपिल अभी सोच रहा होगा कि दीपिका के बारे में कोई और क्यों बात कर रहा है। मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं आतिफ की मिसेज से कहना चाहूंगा कि 7 साल अफेयर चलाने के बाद भी आपके पति का ये हाल है, आप खुद सोच सकती हैं ये आपसे कितना प्यार करते हैं। खबरदार, आज के बाद तुमने कपिल का शो देखा। चलो ठीक है, लड़ाई माफ। ओके। ये क्या कर रही है? बेटा इसे मेहनत कहते हैं, मेहनत जो तुझसे हरगिज नहीं होती, इसीलिए सिद्धू जी ना तो घर में पैसा आता और ना ही बच्चा। अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि खुद मेहनत करूंगी, खुद खाऊंगी। कोला कौन है? कोला चश्मा लगा के देख, कौन है? कौन है? चश्मा लगा के अपना। तुझे पता है तेरी तलाश में कहां पाया पटक रही थी मैं। क्या तलाश कर रही थी तू? वो क्या मेले में खो गए, तलाश कर रही थी? और तू क्या ढूंढ रही थी? तुझे शो करवाना है आतिफ का? अरे नहीं, इसे शो नहीं करवाना है, फिर बल्कि अपना सामान इसे शो करना है। अरे ऐसे
ये देखो शाहजहां की सीटी। शाहजहां की तो टोपी थी। क्यों बेटा, जो टोपी पहनते वो सीटी नहीं बजाते? तू बजा ट्राई। एक मिनट रुक, और एक चीज है। गुब्बारे वाले से लगी। ये देखो, ये देखो। ये तो दारू की बोतल नहीं है। बेटे ये पहले पिघल ही था। हाँ, बाद में इसके पीछे पेंडा लगा के मैंने इसे दारू की बोतल बना दी। बहुत पुरानी है। क्या? दादी। ये बिगुल है? हाँ। बजा के दिखा इसको। ऑफ कोर्स। आजकल अपनी पुंगी खुद को ही बजानी पड़ती है, मैं भी बजाऊंगी। ये देखो। तेरे को बिगुल बजाने का बोला, तू अपनी त्रम्पट बजा रही है? पागल बना रही है मैं? बियर की बोतल तो शाहजहां का बिल्कुल बोल के बेच रही है मैं। चुप कर मर्दा, ये बोतल तेरे सर पे मार के तोड़ दूंगी। एक और है, ये देखो। इससे कौन सा म्यूजिक बजता है? अरे ये पूछते नहीं, झाड़ू है तेरे दद्दा चौधरी केएल शर्मा, उनका झाड़ू है ये। झाड़ू से कौन सा म्यूजिक बजता है? बेटे हर चीज में म्यूजिक नहीं ढूंढते, सफाई नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। फर्स्ट यू कम इन सिटर, कम कम कम, डर मत। अरे डर मत पगले, शॉर्ट तो नहीं बेचोगी? अरे तुझे पता नहीं क्या क्या होने वाला है तेरे साथ। दादी क्या है? एक मिनट, पहले खुले में आ, फोन रख खुले में आ। पुलिस को तो बुलाने दे। तू क्यों ऐसे कर रहा है? शहादत के पहले करते ही ऐसे। अरे क्या सिद्धू जी, बच भी नहीं रही, क्या दिया ये? तू नहीं चाहता कि दो देशों के बीच में प्यार बढ़े? हाँ? चल कम सरेंडर। अरे पप्पी से कैसे प्यार बढ़ेगा? अरे पप्पी से तो प्यार बढ़ता है बेटे, बड़ो बड़ो बने जगह हाथ मिलाते मुए मुए करते। चल आ जा चुपचाप। चल वो मुआ मुआ तो करते लेकिन मुआ नहीं करते। अब मैं कुछ नहीं जानती, तू आया तो एक आध दे दे, वरना अगर मैं अपने दादी पना पे उतर गई ना तो माँ कसम तेरा वीजा गिल्ला कर दूंगी, तू जा नहीं पाएगा यहाँ से। मैं लड़कियों को पप्पी नहीं लेती, ये उसके लिए थी। तो मैंने देनी उसको जाके? हाँ, your choice। अब तो अपना देखो, मेरा तो हो गया, ठीक है? हाँ। चल दादी डिस्टर्ब मत कर। एक बात और। क्या? एक बात और। इधर आ जा। तू आज मेरा गेस्ट भगाएगी दादी तू? नहीं नहीं क्या नहीं तू? नहीं 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 इस बार हमला नहीं करूंगी बेटा। टाइम प्लीज दोस्ती। ऐसी तौली तौलियों के लिए गाना गाता है, हम बुढ़ियों का क्या? कुछ ऐसा छेड़ दे कि रीढ़ की हड्डी में गुड़गुड़ी हो जाए। पहले सीटी निकाल आतिफ के गले से। क्या सीटी दे दी तूने पागलों वाली? दादी हेयर स्टाइल नहीं खराब करना।
एक सेकंड माइक स्टैंड दे दीजिए प्लीज। ये दादी और दादी की उम्र वाले जितने भी हैं उन सबके लिए। या ऑल द बुड्ढंस एंजॉय। हम जो करते हैं उसका निशान भी मिटा देते हैं, ठीक है? दिल से दुआ देती हूं आतिफ, इसी तरह बजाते रहे, खूब बजाते रहे, इंशाल्लाह सुपरस्टार हो जाएगा तू। वो ऑलरेडी है बुढ़िया, क्या कर रही है? सामान रख ले यहां पे। एक बार आतिफ के लिए जोरदार तालियां। ये मैं इधर ही रख लेता हूँ, बिकॉज बड़ी सारी फरमाइशें होने वाली हैं। सॉरी आतिफ, आपको मेरी दादी ने डिस्टर्ब किया। कहाँ इतना अदब से पेश आने वाला लड़का और दादी मेरी देखो, उर्दू में बोल के इतनी लियाकत के साथ बात करते, वो गाली दे के गुड मॉर्निंग बोलने वाली औरत। अब बैठिए प्लीज। बाकी भाजी उर्दू जो है, उर्दू जो है बड़ी नजाकत वाली लैंग्वेज है और बड़ा अदब है इसमें। आप उर्दू में दो लोग बातें कर रहे होंगे ना, और लड़ाई भी कर रहे हो, तो लगता ही नहीं कभी लड़ाई कर रहे हो, ऐसा लगता है बातचीत हो रही कोई, बड़ा गहन विचार विमर्श हो रहा है। देखिए जनाब, अगर आप हमारी उल्फत में खयाकत करेंगे तो हम आपका रुखसार लाल कर देंगे। जनाब ऐसा हरगिज मत कीजिएगा, नहीं तो हम आपकी जुल्फों से पकड़ के आपको जमीन का रूबरू करा देंगे। मैं आतिफ से और सवाल करूं, इससे ज्यादा जरूरी ये बात है कि इनके चाहने वाले हैं जो, जिनकी फरमाइश पे आतिफ को हमने खास तौर पे बुलाया है, उनसे इनकी बातचीत जो है पहले करवा दी जाए। तो आप लोगों में से जो आतिफ से बात करना चाहते हैं, एक एक करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कौन है भाई जी? ओ खाया पिया करो, सेहत कमजोर है। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो आतिफ सर। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है, अभी जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है सर, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो इसके बारे में सर आप कभी, आपको कोई कॉन्सेप्ट मिला ग्लोबल वार्मिंग के बारे में? बारे में बारे में हाँ? बारे में बारे में जी जी। आपका तो नाम क्या है, नाम क्या आपका? सर मेरा नाम रतन रंजन हुआ। जी रतन जी, तो कभी आपको इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट मिला, या अभी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो क्या आप मैं अपने फैन को मैसेज देना चाहते हैं सर? गाने के थ्रू आप बोल रहे हैं? जी गाने के थ्रू, या अभी उसके बारे में क्या सोचते हैं ये? बाड़े में तो भेड़े होती है, भेड़े बाड़े में। अबाउट सर, अबाउट, मैं इसके बारे में क्या गाना लिख सकता हूँ। अच्छा रतन, आप कहाँ से आए वैसे? सर बिहार से, साइकिल से मुंबई आए हैं। आप मजाक कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं? सर मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, और 5 महीने में मैंने सर ऑल इंडिया साइकिल से टूर किया था। अरे वाह। तो सर ये मेरे तरफ से एक योगदान है, साइकिलिंग के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मोटर गाड़ी ये सब बाइक कम यूज करके थोड़े बहुत साइकिल का यूज करें अपने लाइफ में। तो इसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सर से एक, रतन जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप, आपकी सोच बड़ी अच्छी है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने ये जो मुद्दा उठाया है बड़ा अच्छी, और मुझे खुशी भी हुई जान की कि आप बिहार से यहाँ तक साइकिल पे आए हैं। जी ये बड़ी अच्छी बात है, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या सर आपके साथ आके एक स्टेप डांस कर सकते हैं आप मंच पे? आइए 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 जरूर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने, आप हमारे शो में आए और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी आप, आपका क्या दिल कर रहा है स्टेज पे अभी करने को? स्टेज पे सर एक डांस स्टेप सर के साथ करना चाहेंगे। जी जरूर जरूर, ये मुझे दे दीजिए। पॉकेट में हाथ डाल, दोनों हाथ डाले, एक हाथ डाल, दोनों सर। अच्छा यूं यूं हिलाना है? नहीं ये यूं नहीं, नीचे नहीं देख सकता? अच्छा ऐसे देखने शॉप। हां ऐसे कुछ हो गया ऊपर? हां क्या हो गया ऊपर? बादल छा गया। अच्छा ये दबंग वाला स्टेप? हाँ दबंग वाला सर, फुर फुर दबंग। हाँ
अच्छा तो जेब में मैं भी करता हूँ आपके साथ, जेब में हाथ डालना पहले से, माइक में बोलिए, ऊपर दिखना सर, कमर ही ना टूट जाए, बादल, हाँ बादल, बादल छाया, बारिश होने, और फिर गाना बजेगी तो सर ऐसे ही लाना, यूं यूं एक लाना, दोनों दोनों दोनों, हाँ दोनों सर, दोनों कैसे ऊपर, ये बादल आंख से देखना है, बादल को, बादल को हाथ नहीं लगाना, बादल गिर नहीं रही सर, गिर नहीं रहा, अच्छा तो ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अच्छा ओके, बादल छाए हुए हैं, जेब में हाथ आए हुए हैं और स्टेप भी आए हुए हैं, ओके आप गाना गाना प्ले करिए, अरे कोई पीछे वाला स्टेप करा दो, मेरे खारिश भी हो रही है, वो भी हो जाएगी, चलो ठीक है, अब उसका सेकंड स्टेप, डिंगा चिका, डिंगा चिका, डिंगा चिका क्या है सेकंड स्टेप, लाइक दिस, हां लाइक दिस, एक में बादल आया हुआ है, एक में पर्स का है, बादल को देख रहे हैं और पर्स ढूंढ रहे हैं, ये सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप था, थैंक यू सर, थैंक यू, आप ये उदाहरण डिस्क्रिप्शन बड़ा अच्छा देते हैं कि जैसे आपको कोई पर्स लेके भाग गया तो आप देख रहे हैं कि किधर है, अभी भी जैसे बच्चे को इंजेक्शन लगाया तो उसका दर्द हो रही है, डिंग के डिंग, सुपर यार, बहुत मजा आया आपसे मिलकर रतन, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू, जी और कोई हमारे दोस्त जो आतिफ से बात करना चाहते हैं, जी मैडम, हेलो सिद्धू जी, हेलो, हेलो कपिल जी, हाय, हेलो आतिफ, अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू, आपका स्वागत करती हूँ अपने भारत में, थैंक यू, एंड मेरा एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपको कोक स्टूडियो में परफॉर्म करते हुए देखा है, एंड आज कपिल सर भी को भी कभी रूबरू होने का मौका मिला है हम लोगों को, एंड कपिल जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप दोनों की एक जुगलबंदी हम लोग देख सकते हैं क्या, आजा आजा मैदान, फोक और सूफी और फिल्मी सबका कॉम्बिनेशन, आपका 150 हो गया टोटल, मजा आया आपको, तो 150 रुपए दे दो ना, फिर क्या जाता आपका, जोरदार ताली एक बार आतिफ के लिए, थैंक यू सो मच आतिफ, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच, लच्छा तुम कौन सी फिल्म की हीरोइनिया हो घगरे में धूमधाम, लड़की पढ़ के घूम रहे लच्छे, नहीं नहीं नहीं, अरे बाबूजी आपके साथ गलतफहमी हुई है, हम लच्छा नहीं है, हम लच्छा की सिजिटर लस्सी, हम अभी अभी गांव से आए हैं, लच्छा को ही ढूंढ रहे हैं, बिट्टू शर्मा, हाँ तो, अरे लच्छा भैया आपके बारे में बहुत सारी बातें बताए गंदी वाली, वो आपके घर में काफी आना जाना रहता है ना उनका, कहीं आपने उनको कहीं छिपा के तो नहीं रखे हैं, वो छुपाने वाली चीज है, हाथियों के झुंड में चलता है, अलग से पहचान में आता है वो, मेरे को तो शक है आज कहीं खुद ही घाघरा चोली में घूम रहा है वो कहीं नहीं, 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 गलती आपकी नहीं है, वो क्या है ना कि हमें देखकर काफी लोग धोखा खा जाते हैं, ऐसे धोखा लेते हैं, भूख लगती है, खा जाते हैं ये तो जोक्स था, लेकिन सच्चाई यही है कि हम और लच्छा जुड़वा भाई बहन है, जुड़ बोल रही, जुड़वा नहीं, नहीं, भाई। अरे लच्छा हमसे 2.5 मिनट बड़ा है, हम बता रहे हैं, 2.5 मिनट कैसे बड़ा हो गया वो लच्छा भैया सही बताए थे हमें, आप बड़े जॉकी आदमी हैं, जॉकी काफी मजा, जॉकी ये, 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 इतनी देर से आपके बगल में बैठे आ, मैं इका आतिफ बास लंबा मुंबई आने का मकसद जो है पूरा हो गया, लच्छा भैया ने हमसे कहा था कि तू आजा मुंबई, तुझे लड़का ढूंढ के देता हूँ, अब लच्छा भैया को देखिए कितने नाटी हैं,
मतलब यहाँ पर लड़के को बैठा कर खुद गायब हो गए। पहले अच्छी तरह दिमाग खराब है, ऑलरेडी मैरिड है। तो ये तो और अच्छी बात है, घर का सारा काम हमें अकेले नहीं करना पड़ेगा, हाफ हाफ करेंगे। देखो टाइम तुम हमारा वेस्ट कर रही हो, करने क्या है यहाँ पे? अपने प्यार का इजहार जरा हम इनसे कर ही लेते हैं। हम कमाल के गाने लिखते हैं। आप गाना लिखती हैं? हाँ। तो अपना लिखा हुआ गाना सुनाए ना मुझे। हम लिख के भी लाए हैं, सुनिए। एकदम मिक्स पूरा उर्दू भोजपुरी का। होठ पे लाली, कान में बाली, नैना का जलवा से लैस। छोड़ ना देना गैस। होठ पे लाली, कान में बाली, नैना का जलवा से लैस। हमरे ए रूप के आगे फेल है हमारे भैया जी की भैंस। पूरा खत्म नहीं हुआ। हमरे रूप के आगे फेल है हमारे भैया जी की भैंस। ए गालिब। पूरे शेर में कहीं उर्दू है? अरे पूरे के पूरे गालिब को डाल दिया, आप क्या उर्दू के पीछे पड़े। अब देखिए ये जो हमारा शेर है, इसे आप अगर ब्यूटीफुली ऐसे ना घुमा फिरा के अगर इसे आप कंपोज कर दे, हाँ। तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी कि हमारी लिखावट जो है वो बेस्ट तय गई। ये गाना तो सरलेस कंपोज करना बड़ा मुश्किल है। कठिन लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा। कोई मैं आपको अपना गाना सुना दूं? चलिए हमारे लिए इतना ही बहुत है। डन हो गया। ये हम बजाएंगे? नहीं, हमें आता भी नहीं है। तो आप गाइए ना आप गाना, कोई एक मैं सुनाता हूँ आपको। क्या सुनिए आप? कर लिया ना, अभी आपका भाई और आपका घर वो है ऊपर। चलिए मैं चलती हूँ। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप गांव में आइएगा। आऊंगा। चलिए। आतिफ, आई होप आपको कॉमेडी नाइट्स में आके मजा आया होगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग लगा। ये शो दोनों मुल्कों में देखा जाता है जी, और दोनों मुल्कों में पसंद किया जाता है। तो जब कोई यहाँ से पाकिस्तान जाता है या कोई पाकिस्तान से यहाँ आता है, तो मैं दोनों मुल्कों को कह रहा हूँ, उनसे मुखातिब हूँ, कि ऐसा ना सोचा करें कि कोई उस मुल्क से आया है या कोई इस मुल्क से आया है। इसी तरह से हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम गवा बैठे हैं, जैसे मेहदी हसन खान साहब, जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब, वो मेरे भी हैं, आप सब लोगों के भी। बिल्कुल सर।